Vighnaharta Shri Ganesha, Shri Ganesha, Shri Ganesha. इस बालक की अपार शक्ति का स्रोत उसका कड़ा ही है। बालक कार्तिकेय जब तक पहेली का समाधान नहीं कर लेता तब तक ये आज न परास्त होगा न इसका अंत होगा। फिर भी ये पीछे क्यों बढ़ता चला जा रहा है? अपने नियंत्रण में करना होगा। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं। मुझे और शक्ति भेजनी होगी तभी यह आगे बढ़ सकेगा। ये आज अब कर क्या रहा है? मेरे नियंत्रण में तो आना ही होगा इसे। सुगंधिं पुष्टिवर्धनं पूर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षयमन्त्रात्। हमारे आस्तीन ने हम परिवार कर दिया। माखन, हमारे नायक तो मूर्छित है। नारायण नारायण, यदि ये यज इसी प्रकार ब्रह्मांड में भ्रमण करता रहा तो अनर्थ हो जाएगा, सब भस्म हो जाएगा। नहीं, उसे ऐसा कुछ भी नहीं करने दूंगा मैं। हम इस बालक का सामना नहीं कर सकते। हाँ, हमारा यही रहना उचित है। मैं ब्रह्मांड को क्षति तो पहुंचाने नहीं दूंगा तुम्हें। ये तो मंगल की ओर बढ़ रहा है। हे प्रभु, रक्षा कीजिए। आप निश्चिंत रहिए मंगलदेव, आप और आपके ग्रह दोनों सुरक्षित रहेंगे। आज तो कहीं और ही भाग रहा है। अब ये मायावी आज तो महर रोक जा रहा है उन 14 लोकों में से एक की ओर, जहां महान ऋषि मुनि और महापुरुषों का वास होता है।
यज्ञ की अग्नि से उत्पन्न हुआ ये अज यदि महर लोक में प्रवेश कर गया तो उन ऋषि मुनियों की दिव्यता प्राप्त कर अजय हो जाएगा। भ्राता को किसी प्रकार उसे वहां प्रवेश करने से रोकना होगा। महादेव पुत्र कुमार कार्तिकेय की जय। महादेव पुत्र कुमार कार्तिकेय की जय। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की जय। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की जय। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की जय। संसार मेरे पांव तले। स्वर्गलोक तो हमसे वैसे ही छिन चुका है। यदि सज ने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया तो हम स्वर्ग को सदैव के लिए खो देंगे। भ्राता स्वर्ग का अहित कदापि नहीं होने देंगे इंद्रदेव। यह तो स्पष्ट है कि इस पहेली को सुलझाए बिना मैं इस अर्ज को क्षति नहीं पहुंचा सकता, इसीलिए मुझे जो कुछ भी करना है वो शीघ्र ही करना होगा। किंतु इस समय तो मुझे इसे बांध कर इसे यहीं रोक देना चाहिए जिससे ये पृथ्वी पर पहुंचकर कोई हानि न कर सके। तुम पृथ्वी को कोई हानि नहीं पहुंचा सकोगे। माखन, अरे उठिए माखन, उठिए माखन, अरे अपनी मूंछे से बाहर आइए। बालक कार्तिकेय ने तो हमारे रथ को बंदी बना लिया। माखन, अरे ऐसा ही रहा तो ज्ञात नहीं सच का क्या होगा। इसे पराजित कर यदि संसार से इसका संकट मिटाना है तो सर्वप्रथम मुझे अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उस पहेली को सुलझाना होगा। ये स्थान यहाँ का स्मरण है मुझे, यहाँ तो मैं पहले भी आया हूँ। ये देव सेनापति कुमार कार्तिकेय कर क्या रहे? इस मायावी अज को मुक्त होने क्यों दे रहे? वो इस दिव्य स्थान का प्रभाव है। हम अब कांची में हैं। श्री काल हस्ती के पश्चात
पंचभूत शिवलिंग यात्रा का ये दूसरा पड़ाव है। मैं यहाँ था, माँ भी थी, उन्होंने तपस्या की थी। माँ, इस शिवलिंग को मैंने स्वयं रचा है। माँ, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ कि आप यहाँ हैं और आपके मुख से कथा सुनकर मेरा व्रत संपन्न होगा और सब कुछ सकारात्मक हो जाएगा। भ्राता सावधान! संसार मेरे पांव तले। यदि संसार इसके पांव तले है तो इसके ऊपर क्या है? पहली सुलझा ली इसने, अब तो उठिए आप। अरे अब तो उठिए आप। अब आप मेरे ऊपर हैं, तो आप ही मेरे स्वामी हैं। मुझे क्षमा करें और अपने इस सेवक को आदेश दें। उचित है, अब तुम भी मेरे वाहन बनोगे। जय सेनापति कुमार कार्तिकेय की जय। जब मेरे यज्ञ की अग्नि से इस भयानक अज का जन्म हुआ, तब मेरे भीतर भी भय उत्पन्न हुआ। जब ये अज मंगल ग्रह की ओर बढ़ा, तब मंगल देव भी भयभीत हुए। महरलोक के ऋषि मुनि भी भयभीत थे और इसे स्वर्ग की ओर बढ़ते हुए देखकर हम सभी देवता भी भयभीत हुए थे। परंतु आपने केवल इसे रोका ही नहीं, अपितु इस पे आरूढ़ भी हुए, इस पे भी नियंत्रण पाया और भय पे भी। महान है आप कुमार कार्तिकेय, महान है। भ्राता, आपके इस रूप को अज रूढ़ा के नाम से जाना जाएगा और जो भी भक्त आपके इस अवतार का पूजन करेंगे वो अपने भय पर विजय ही नहीं पा सकेंगे, अपितु एक प्रकार से भय पर आरूढ़ हो उसे नियंत्रित कर सकेंगे। अज अरूढ़ा कार्तिकेय स्वामी की जय। 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 साधारण जीव नहीं है, भगवान है। उठो भाकन, उठो। देखिए और बताइए अब हम क्या करें। प्रभु, मेरा उद्धार करने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपको जब मेरी आवश्यकता होगी मैं सदैव प्रस्तुत हो जाऊंगा। कुमार कार्तिकेय, मुझे आज्ञा दीजिए।
अनुज गणेश, मुझे कारण तो ज्ञात नहीं है, किंतु यह स्थान बहुत परिचित सा लग रहा है। भ्राता, परिचित तो होगा ही। हम कांची में जो है एकांबरेश्वर के निकट, जहां माता ने पिता श्री के लिए घोर तपस्या की थी। एकांबरेश्वर? एकांबरेश्वर? हाँ पुत्री, आज तुम्हारी पूजा संपन्न करने के लिए मैं तुम्हें एकांबरेश्वर की कथा सुनाऊंगी। एक बार महिषासुर को लेकर प्रभु महादेव और मेरे बीच विवाद छिड़ गया और दुर्भाग्यवश उसके कारण मैं अत्यंत क्रोधित हो गई, और जिसके कारण मुझे प्रभु से दूर होना पड़ा। किंतु बहुत समय बाद जब मुझे अपनी भूल समझ आई, तब प्रभु से क्षमा प्राप्ति के लिए और उनके साथ होने के लिए तब ही एकमात्र मार्ग था। आपको स्मरण है ना भ्राता, किस प्रकार माता ने आम के वृक्ष तले शिवलिंग स्थापित किया था? हाँ गणेश, जब हम उन्हें तप से जागृत करने के प्रयासों में विफल रहे, तो हमने उनके इस तप के स्थान को ही उत्तम बना दिया था। और पिताश्री प्रभु महादेव से भी अनुरोध किया कि वो माता को दर्शन दें, किंतु तुम कहते हो कि उमा मेरी सबसे बड़ी भक्त है, तो मैं तुम्हारे इस कथन पर अवश्य ध्यान दूंगा, परखूंगा उसकी भक्ति, परखूंगा उसकी। फिर प्रभु महादेव ने मेरी परीक्षा के लिए अपनी जटाओं को खोलकर गंगा की एक विशाल धारा को मेरी ओर भेज दिया। मेरी परीक्षा में सर्वप्रथम मेरी ओर बढ़कर मेरी सहायता करने वाला पुत्र कार्तिकेय ही था। पिताश्री माँ की परीक्षा लेने पर दृढ़ थे, तो उन्होंने एक एक कर तीन अन्य धाराओं को भी भेजा, जिन्हें रोकने वाले थे प्रभु नारायण, माता महाकाली और स्वयं तुम गणेश। माता को इसका आभास हो गया था कि कुछ अनुचित घटित हो रहा था, किंतु उन्होंने तब भी अपनी तपस्या को भंग नहीं होने दिया। वो पूर्ण निष्ठा से अपना तप करती रही। उधर पिताश्री ने भी माता की परीक्षा लेना रोका नहीं, और फिर उन्होंने माता की ओर माता गंगा की पांचवी धारा भेज दी। माता गंगा की पांचवी धारा इतनी तीव्र थी कि वो सब कुछ बहा सकती थी, परंतु माता ने अपनी चिंता नहीं की एवं शिवलिंग की रक्षा हेतु उसे अपनी भुजाओं में भर लिया। और उनकी इस अगाध भक्ति को देखकर पिताश्री इतने प्रसन्न हुए कि वो स्वयं माता की रक्षा हेतु यहाँ आ गए। अवश्य गणेश, मुझे स्मरण कैसे नहीं होगा, इतना दिव्य और भावुक क्षण था वो, जब माँ और पिताश्री दोनों एक दूसरे के प्रति अपनी भक्ति और निष्ठा को उजागर कर रहे थे, और फिर उनके इस दिव्य मिलन के पश्चात माँ अपने माता कामेश्वरी रूप में और पिताश्री अपने प्रभु कामेश्वर रूप में यहाँ कांचीपुरम में अपने विवाह के लिए प्रस्तुत हुए, और फिर माँ और पिताश्री ने यहाँ अपने मंदिर स्थापित करके इस स्थान को और भी अधिक दिव्यता प्रदान कर दी। भ्राता, श्री एकांबरेश्वर की कथा से हमें ये सीख मिलती है कि यदि पति और पत्नी के मध्य प्रेम और सम्मान का रिश्ता हो, तो दूर जाने पर भी वो एक अटूट बंधन से बंधे रहते हैं, और यही आधार है विवाह के चौथे वचन का, जीवनम अवस्था त्रये पालनाम कुर्यात। इस वचन का अर्थ है कि जीवन के तीनों चरणों में, अर्थात युवा अवस्था से वृद्ध अवस्था तक, किसी भी अवस्था में, किसी भी चुनौती में, पति और पत्नी एक दूसरे का साथ निभाएंगे।
धन्यवाद माँ, इस कथा के श्रवण से मेरी पूजा संपन्न हो गई। धन्यवाद कैसा पुत्र, ये तो मेरा धर्म और तुम ही नहीं, जो भी मेरे प्रभु महादेव के 16 सोमवार का व्रत करेगा और यदि उसके व्रत में कोई भी बाधा होगी तो मैं किसी न किसी रूप में आकर उसकी सहायता करूंगी और उसकी कथा को पूर्ण करने का उपाय करूंगी। धन्यवाद ना। मैं धन्य हो गई माँ कि मुझे आपकी अद्भुत लीला की साक्षी बनने का और आपकी कृपा प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हो। उस दिन हम भी इस महान लीला के साक्षी बने और हमें भी ये सीख प्राप्त हुई कि विवाह के माध्यम से निष्ठावान जीवन साथी प्राप्त होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। गणेश, तुम इन सारी कथाओं में विवाह को कुछ अधिक महत्व नहीं दे रहे हो। मैं विवाह की बात इसलिए कर रहा था क्योंकि सभी कथाओं में विवाह का महत्व था, किंतु भ्राता मेरा ध्यान तो आपकी यात्रा और आपके लक्ष्य पर ही है और ये स्थान आपके लक्ष्य में सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है। प्रभु महादेव का एकांबरेश्वर शिवलिंग पंचभूत स्थलों में से एक है। माता ने यहाँ गीली मिट्टी अर्थात भूमि से लिए गए तत्वों से शिवलिंग का निर्माण किया था, इसलिए एकांबरेश्वर शिवलिंग पृथ्वी लिंगम है। प्रभु की अष्ट मूर्तियों के भूमि रूप के दर्शन आपको यहीं प्राप्त होंगे भ्राता। और यहाँ प्रभु को प्रसन्न करके आपको भूतत्व की शक्ति प्राप्त होगी भ्राता, जिससे आप इस यात्रा में होने वाले अन्य आसुरी आक्रमणों का सफलता पूर्वक सामना कर पाएंगे। जब किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्वयं को समर्पित कर दिया जाता है तो निश्चय ही सफलता प्राप्त होती है।